Hello friends, good evening everybody. So what's up, how are you and how is your preparation? So today again I have come with new lesson और आज का important topic है Aeolian landforms, जिसको wind landforms के नाम से भी जानते हैं. और इस wind landforms में हम basic चीज़ समझेंगे और कुछ landforms के बारे में समझेंगे. जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग ज्योग्राफिकल लैंडफॉर्म्स के ऊपर, खास करके फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत जो लैंडफॉर्म्स आते हैं, जो कि हमारे आने वाले किसी भी एग्जामिनेशन में आ सकता है, लाइक यूपीएससी और सिविल सर्विसेज के किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या एसएससी एग्जाम हो, कहीं भी इस तरह के लैंडफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. और इसके लिए हमें हर वक्त तैयार रहना होगा. और इसीलिए मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर वे में लैंडफॉर्म्स के बारे में प्रोवाइड कर सकूँ इन्फॉर्मेशन, जो कि आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा. सो व्हाट्सअप, हाय सुमन, हाउ आर यू, गुड इवनिंग. Is it okay? Sound is audible? Suman, क्या लग रहा है सुमन, कुछ लर्निंग हो रहा है, कुछ सीख रहे हैं? चलिए, मेरा जो टारगेट है आप लोगों को एक प्रॉपर वे में स्टडी प्रोवाइड कर सकूं, यही मेरा टारगेट होता है. और इसी में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, प्रॉपर कॉन्सेप्ट डेवलप हो पाए, यही मेरा टारगेट होता है. तो इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एकदम कॉन्सेंट्रेशन के साथ इस क्लास को अटेंड कीजिएगा. और जो भी क्लास होता है लैंडफॉर्म से रिलेटेड, वो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा. और सुमन, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर दीजिए हो सके तो. तो सबसे पहले वही चीज है, बेसिक चीज क्या होता है. आप लोगों को पता ही है कि लैंडफॉर्म्स जो क्रिएट होता है एक्सटर्नल फोर्सेस के कारण होता है. हम लोगों ने इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस के बारे में पढ़ा है पिछले वीडियोस में. तो एक्सोजेनेटिक की बात आती है तो एक्सोजेनेटिक के कारण जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, वही हम लोग रिवराइन लैंडफॉर्म्स में पढ़े थे. और अब एओलियन लैंडफॉर्म्स, जिसको विंड लैंडफॉर्म्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो आई होप कि हमारा ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी हो रहा होगा, एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रहा होगा, है ना सुमन. सो शुड आई स्टार्ट, हाउ मेनी गाइज आर देयर, ओनली 4. सो कम ऑन गाइज, इंटरैक्ट इन द क्लास एंड कीप इट अप एंड ऑलवेज बी एनर्जेटिक, क्योंकि आपका आने वाला एग्जामिनेशन आपके लिए एकदम लास्ट गोल होना चाहिए, क्रैक करना है आप लोगों को हर हाल में. लेथार्जिक या लैगार्ड मत होइएगा अपने स्टडी में, क्योंकि अगर लेथार्जिक और लैगार्ड होते हैं कि भाई बीपीएससी का फॉर्म निकलेगा, यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा, तब हम तैयारी करेंगे तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे सेलेक्शन का. हाय मिर्गांग, निशु, गुड इवनिंग एवरीबडी, एंजॉइंग द क्लास और नॉट, बकअप, कम ऑन एवरीबडी, गिव योर आंसर. And if any problem you are facing, तो मुझे बताइए कि क्या problem हो रहा है understanding में. और हर एक basic चीज़ को मैं यहाँ पर develop करने वाला हूँ, आपके concept को clear करने वाला हूँ और आपके mind में instill करने वाला हूँ. आपके mind में मैं इतना चीज़ डालना चाहता हूँ ताकि आप खुद creativity कर सकें. चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं आज का geographical landforms, जो कि wind landforms के ऊपर है. तो हम लोग जानते हैं कि external forces में एजेंट का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, और वो एजेंट होता है रिवर, विंड और ग्लेशियर. ये इसके बारे में हम लोगों ने देखा भी है,
और पिछले 4-5 वीडियो जो हम लोगों ने रिवराइन लैंडफॉर्म्स के ऊपर, फोर्सेस के ऊपर सब देखा था, करेक्ट? तो ये रिवर है, विंड है, ग्लेशियर है, ये मेजर तीन एजेंट होते हैं जिनके द्वारा डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म्स जो अलग अलग शेप, अलग अलग साइज में हमारे अर्थ सरफेस पे विजिबल होते हैं। हम जहाँ कहीं भी जाएँ, ट्रेन से या शिप से या प्लेन से, तो कभी न कभी किसी न किसी रूप में हमें कोई न कोई लैंडफॉर्म देखने को ज़रूर मिलता है। अगर आप नज़दीक से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या कनेक्टिविटी होता है। जो आप पढ़ते हैं उसे लाइफ में जोड़ने की कोशिश कीजिए। जब ट्रेन से सफ़र कर रहे होते हैं तब भी वहाँ के बाहर, खिड़की के बाहर जब झांकते हैं हम लोग, तो कुछ नहीं देखते हैं आँख मूंद के या सिंपली, लेकिन वहाँ के इन्वायरमेंट को, वहाँ के क्लाइमेट को, वहाँ के वेदर को, वहाँ के एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को हम लोग अगर ऑब्जर्व करें वाइल गोइंग थ्रू टू होम, फ्रॉम दिल्ली टू बिहार, यूपी, कहीं भी, देन यू विल फाइंड दैट यू आर वेरी वेरी क्लोज टू द सोसाइटी एंड क्लोज टू द इन्वायरमेंट। विजय, गुड इवनिंग, राइट? तो ये तीन लैंडफॉर्म्स बनाने का जो तीन एजेंट है उसके बारे में, पहला तो है रिवर जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं, दूसरा आज है विंड जिसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। एज यूजली आप लोग जानते हैं कि एजेंट जो है बेसिकली दो ही तरह का वर्क करता है, मतलब तीन तरह का वर्क करता है, इरोजनली, इरोजनल एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्टेशनल एक्टिविटीज़ एंड डिपोजिशनल एक्टिविटीज़। बट लैंडफॉर्म जो क्रिएट होता है वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स के थ्रू और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के थ्रू। इरोजनल जो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरदन, इरोड करना, मतलब अपरदन क्रिया के द्वारा जो लैंडफॉर्म्स क्रिएट होता है दैट इज नॉन एज, सॉरी, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। और जो डिपोजिशन होता है, जो मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट करके रिवर के द्वारा या एजेंट के द्वारा लाया जाता है और वो कहीं जब डिपोजिट होता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशनल एक्टिविटीज, और उसके द्वारा जो लैंडफॉर्म्स का क्रिएशन होता है उसको बोलते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, करेक्ट? सो इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आर ऑल्सो ऑब्जर्व इन विंड प्रोसेस। विंड के रेस्पेक्ट में भी हम लोग ये दोनों चीज को देखते हैं, करेक्ट विजय? अप टू दिस पॉइंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द लास्ट और इन द प्रीवियस वीडियोज, इन द प्रीवियस लाइव क्लास, सो आई डू नॉट थिंक कि ये हमें यहाँ डिस्कस करने की जरूरत होगी। नेक्स्ट पॉइंट है इरोजन्स। ये भी आप लोगों ने पढ़ा था कि इरोजन कितने तरह के होते हैं। तो जैसे केमिकल इरोजन होता है, कोरेजन या सोल्यूशन होता है, केमिकल इरोजन का ही टाइप होता है कोरेजन या सोल्यूशन, जो हाइड्रोजन वाटर के सोल्यूशन के कारण होता है। फिर कार्बोनेशन, जहाँ कार्बन की उपस्थिति के कारण, ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। फिर दूसरा होता है मैकेनिकल, केमिकल इरोजनल जो केमिकल की उपस्थिति के अनुसार होता है, मैकेनिकल इरोजन जो एक दूसरे के टकराने के कारण या एक दूसरे के टूटने के कारण, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर के कारण, पुशिंग एंड पुलिंग फैक्टर के कारण मैकेनिकल इरोजन होता है ना, मशीनीकरण जिसको बोलते हैं। विजय, मेरा लाइव क्लास जो कंडक्ट होता है वो 9 से 9:15 के बीच में जनरली होता है। चूंकि आज मैं ऑफिस से आने में लेट हो गया, सो आई जस्ट स्टार्टेड लेट, बट अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हुए हैं तो मैं वहाँ पे अक्सर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता हूँ कि मेरा लाइव क्लास होने वाला है। ओके, सो मैकेनिकल इरोजन में मैकेनिकल होता है जो फिजिकल होता है, जो ईंट पत्थर एक दूसरे के टकराने के बाद जो उसमें टियरिंग एंड वियरिंग होता है, जो टूटना फूटना, घर्षण या घिसट जाना, ये सारे चीज़ जो हैं मैकेनिकल इरोजन का पार्ट होता है। यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा वो है हाइड्रोलिक एक्शन, है ना, हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक एक्शन मतलब होता है, देखिए आजकल देखिएगा गाड़ी में हाइड्रोलिक ब्रेक होता है, सिमिलरली हाइड्रोलिक एक्शन मतलब हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर के चोट के कारण भी इरोजनल एक्टिविटी होता है, दिस इज कॉल्ड मैकेनिकल। मैकेनिकल मीन्स फोर्स एंड केमिकल मीन्स रिएक्शन, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड मैकेनिकल इरोजन। सो मैकेनिकल इरोजन में हाइड्रोलिक एक्शन जो होता है वाटर के चोट के कारण, और ये आपको कोस्टल रीजन में आपको अक्सर देखने को मिलेगा, रिवर के बैंक के पास, रिवर के किनारे या किसी समुद्र के किनारे, जहाँ पे वेव के कारण जो चोट पहुँचता है वहाँ पे हाइड्रोलिक एक्शन देखने को मिलता है जिसके कारण इरोजन होता है, करेक्ट? सिमिलरली आप देखिएगा कि जब हम लोग क्या बोलते हैं, कुआं से पानी निकालते हैं और पानी का लगातार बहाव होता है कहीं पर्टिकुलर सॉलिड
रीजन में या पत्थर के ऊपर, तो वहां पे भी घर्षण देखने को मिलता है. तो दैट इज अ टाइप ऑफ इरोजन एंड दैट इज टाइप ऑफ मैकेनिकल इरोजन, करेक्ट. तो एब्रेशन क्या होता है? खुरदना मीन्स कि जब किसी चीज पे चोट पहुंचता है, ये वाला एरिया है वहां पे चोट पहुंचता है, तो वो एक ब्रूजिंग या खोदने का जो होता है ना, छिल जाना, तो ब्रूजिंग की एक्टिविटीज यहाँ देखने को मिलता है. सो दिस इज नॉन एज एब्रेजन. हाइड्रोलिक एक्शन जो चोट, वाटर के चोट के कारण दिखता है, वहाँ पे धीरे धीरे देखिएगा डीप होने लगता है. अगर यहाँ पे बार बार वाटर का हीटिंग हो तो यहाँ पे डीप एरिया डेवलप होने लगता है. तो दिस इज नॉन एज हाइड्रोलिक इरोजन या हाइड्रोलिक एक्शंस रिजल्ट. नेक्स्ट पॉइंट है एट्रीशन. एट्रीशन मतलब होता है आपस का घर्षण. जैसे एक ग्रुप में पांच लोग हैं और पांचों लोग अगर किसी मुद्दे पे आपस में लड़ रहे हैं, तो दिस इज नॉन एज एट्रीशन. जैसे आज के डेट में देखते हैं पॉलिटिकल एट्रीशन. तो आपस में जब कोई भी इरोजनल मटेरियल्स या सस्पेंडेड मटेरियल्स या ट्रांसपोर्टेड मटेरियल आपस में जब लड़ते हुए घिसते हैं, टूटते हैं, फूटते हैं, तो इसको बोलते हैं एट्रीशन, राइट. तो मैकेनिकल इरोजन में यही तीन प्रकार होता है. अब है कि ये तीनों तो हम लोगों ने पिछले क्लास में भी, पिछले वीडियोस में भी देखा था, लाइव क्लास में वो देखिएगा, ऑलरेडी अवेलेबल है वीडियो, आप देख सकते हैं. वो ज्योग्राफी और ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी ऑप्शनल, दो प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, इस के एम लर्निंग चैनल पे, उसमें आप देखिएगा ये वीडियो अवेलेबल है. ओके. फिर इरोजनल लैंडफॉर्म्स की बात अगर हम करते हैं, तो अब आते हैं बेसिकली जो टॉपिक हमारा आज का है वो है विंड, हवा के द्वारा जो अपरदन के कारण लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है, उस अपरदन के रिजल्ट के तौर पे जो जो लैंडफॉर्म्स का निर्माण होता है उसी को बोलते हैं इरोजनल लैंडफॉर्म्स, राइट. सो इसे पहली बात तो ध्यान रखिएगा, विंड लैंडफॉर्म्स जो बनता है वो एओलियन बोलते हैं, एओलियन प्रोसेस. एओलियन प्रोसेस आर नॉट एक्टिव इन कोल्ड डेजर्ट. ये लाइन याद रखिएगा, कोल्ड डेजर्ट में विंड का प्रोसेस या विंड एक्टिव फॉर्म में नहीं दिखता है. और अगर विंड एक्टिव फॉर्म में नहीं दिखता है, इट मीन्स दैट देयर विल बी लेस चांसेस टू मेक एनी इरोजनल और एनी काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स ऑफ द विंड, राइट. सो विंड के कारण लैंडफॉर्म्स का निर्माण नहीं हो पाता है वहां पे. सो यहाँ पे देखिएगा कि एक पॉइंट बनता है कि मतलब ये हुआ कि वार्म डेजर्ट में या हॉट डेजर्ट में इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ विंड या डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ विंड, मतलब विंड के प्रोसेस को हम लोग ज़्यादा ऑब्जर्व कर पाते हैं, जबकि कोल्ड डेजर्ट में हम लोग ज़्यादा नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, क्योंकि विंड का स्पीड कोल्ड में कम हो जाता है बिकॉज ऑफ हाई मॉइस्चर इन द वाटर एंड दैट इंटर्स इन टू द विंड सिस्टम. तो वहाँ पे वो वेपर बन जाता है और विंड की एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर देता है. क्लियर. सो एओलियन प्रोसेस आर नॉट एक्टिव इन कोल्ड डेजर्ट. क्लियर विजय, सुमन, मृगंक, अमित, अमित एंड निशु, सुमन, एवरीबडी, अगर आप लोगों को यहां तक में कोई डाउट है तो अपना क्वेश्चन रेज कीजिए, क्योंकि ये लाइव क्लास इसलिए नहीं है कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रोवाइड किया जाए, बल्कि आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना मेरा टारगेट है, इसीलिए लाइव क्लास कंडक्ट होता है. अदरवाइज मैं वीडियो अपलोड करके भी इन सारे वीडियो को अपलोड किया जा सकता था या ये लेसन्स को दिया जा सकता था. ओके. हाँ मिर्गान, कौन से पॉइंट पे आपने नहीं समझा, थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए. प्लीज पॉइंट आउट, पॉइंट आउट करेंगे. देखिए ध्यान रखिएगा, पॉइंट आउट जितना करेंगे ना, आपकी आपके माइंड का कॉन्सेप्ट उतना क्लियर होगा. और ये कभी भी माइंड में मत सोचेगा कि हमें नहीं समझ में आया, बाकी को समझ में आया तो लोग क्या कहेंगे, ऐसा कभी मत सोचेगा, क्योंकि आपका एक अलग टारगेट है, आपको कहीं जाना है और उसको जाने, वहां तक पहुंचने के लिए आपको जितना भी संघर्ष करना पड़े, जितना भी डिमोरलाइज होना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता है. लास्ट पॉइंट, ओके. एओलियन प्रोसेस जो होता है वो कोल्ड डेजर्ट में एक्टिव नहीं होता है. उसका रीजन ये होता है कि विंड की एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा देखने को नहीं मिलता है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, विंड की जो एक्टिविटी होती है, जैसे विंड फ्लो होता है, अगर वो देखने को मिलता भी है तो उसमें सस्पेंडेड मटेरियल्स नहीं होते हैं, कि विंड में, विंड इट्सेल्फ इज नॉट इरोजनल एजेंट कंप्लीटली, राइट.
क्योंकि विंड इरोड तभी करेगा जब उसमें सस्पेंडेड मटेरियल्स रहेंगे, करेक्ट? मतलब जब उसमें मटेरियल्स रहेगा, जैसे हम या आप, हम कहीं से किसी से बीपीएससी का ही तैयारी कर रहे हैं, तो जब तक हमारे पास मटेरियल नहीं रहेगा, जब तक हम पढ़ाई नहीं कर सकते, हम बीपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। तो सिमिलरली विंड भी अपने सस्पेंडेड मटेरियल के अभाव में वो इरोजनल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता है कोल्ड डेजर्ट में, पहला पॉइंट। दूसरा है कि भाई सस्पेंडेड मटेरियल्स क्यों नहीं होता है, उसका रीज़न ये होता है कि कोल्ड डेजर्ट में सब के सब सॉलिड फॉर्म में और हेवी फॉर्म में दिखता है, जिसके कारण विंड उसे पिकअप नहीं कर पाता है, और पिकअप नहीं कर पाएगा तो अपने साथ में वो कैरी नहीं कर पाता है, सस्पेंड नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो कहीं भी इरोजनल एक्टिविटीज़ में फेलियर हो जाता है ना? कहीं भी इरोजनल एक्टिविटीज़ में फेलियर हो जाता है। राइट? सो अगर वहाँ, और उसके बाद वाटर वेपर होने के कारण विंड भी उतना फ्लो के साथ में, उतने स्पीड के साथ में नहीं मूव कर पाता है जितना उसे किसी भी मटेरियल को सस्पेंड करने के लिए, जितना उसे किसी भी मटेरियल को पिक करने के लिए चाहिए होता है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देखिएगा, चूंकि इसका क्लियर हो गया इतना कि कोल्ड डेजर्ट में नहीं, हॉट डेजर्ट में, वार्म एरिया में, वार्म रीजन में हमें ये देखने को मिलेगा। अब कुछ फैक्चुअल पॉइंट्स हैं कि सरफेस एरिया कवरेज को अगर आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड का, तो वहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे प्लेन एरिया है, प्लेटो एरिया है, बहुत सारा चीज़ आप लोगों ने देखा होगा, तो सेमी एरिड और एरिड रीजन में ही इस तरह के एक्टिविटीज़ को देख पाते हैं, मतलब विंड के एक्टिव प्रोसीजर को देख पाते हैं, एक्टिव प्रोसेस को देख पाते हैं। तो जिसके कारण क्या होता है, एक्सट्रीम एरिड वाला रीजन पूरे एरिया, मतलब वर्ल्ड के लैंड सरफेस में 4% का कवरेज है। एक्सट्रीम एरिड, एरिड मतलब कंप्लीट सूखा, जहाँ पे हॉट डेजर्ट देखने को मिलता है, ओके? उसके बाद एरिड रीजन वो 15% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया को कवर करता है, और उसके बाद सेमी एरिड रीजन जो कि प्योरली एरिड नहीं होता है, वो होता है 14.6%। इसका मतलब क्या हुआ कि लगभग, देखिए क्या कितना हो गया टोटल, 18 प्लस 15, है ना? मतलब अराउंड 33% एरिया जो है, सरफेस एरिया, दे ऑल आर कवर्ड आइदर विथ एरिड और सेमी एरिड रीजन, है ना? मतलब 33% अराउंड, मान लीजिए, एकदम माइंड में ध्यान रख लीजिएगा, ये बाइफरकेशन करके साथ क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, बट यू कैन इमेजिन कि अगर 33% एरिया सेमी एरिड या एरिड रीजन में कवर्ड है, इट मीन्स दैट कि 1/3 ऑफ द वर्ल्ड सरफेस या अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ दिस रीजन। ये डेटा आपको माइंड में रखने की जरूरत नहीं है कि 4% है, 15% है, 14.6% है, एकदम माइंड में रखने के लिए मैं कोई भी चीज़, कोई भी फैक्ट नहीं देना चाहता हूँ, मैं बस सिर्फ कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ कि कैसे परसेंटेज को हमने देखा और हमें माइंड में आ गया कि अरे 1/3 तो पूरा का पूरा एरिड या सेमी एरिड रीजन में कवर्ड है, सरफेस एरिया, इजेंट इट? सो इट इज क्लियर कि एरिड या सेमी एरिड रीजन में कवरेज 1/3 है। अब हम, चूंकि ये क्लियर हमारा हो चुका है कि हॉट डेजर्ट में या वार्म एरिया रीजन में एक्टिविटीज होता है, सो एरिड और सेमी एरिड एरिया में ये सारे इरोजनल प्रोसेस देखने को मिलता है विंड का। अब आते हैं इरोजनल प्रोसेस का जो रिजल्टेंट फॉर्म होता है वो क्या है। उस इरोजनल प्रोसेस का मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिव प्रोसेस के कारण जो एक्टिव रिजल्टेंट होता है, मतलब क्या बोलते हैं इसको, इमीडिएट रिजल्ट होता है, वो है डिफ्लेशन। व्हाट इज डिफ्लेशन? व्हाट इज डिफ्लेशन? क्या, किसको बोलते हैं डिफ्लेशन? छिछलेदार होना। डिफ्लेशन किसको बोलते हैं? अगर इसको हम प्रॉपरली ये एरिया को कवर करते हैं, मान लीजिए ये पूरा का पूरा एरिड रीजन है, ठीक है, और विंड जो है इस तरह से मूव कर रहा है, राइट? अब क्या होगा जब विंड इस एरिया में
चोट पहुंचाएगा जब इस एरिया में हिट करेगा, ये वाला पूरा एरिया, ये पूरा का पूरा जो होता है ना डीप होता चला जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन री एरिया मतलब क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई डीप कैसे होगा। तो दो रीजन है इसका, दो रीजन है, डिफ्लेशन जिसको बोलते हैं ना, वो डीप कैसे होता है या मतलब कैसे वहाँ के मटेरियल को उठाता है, तो दो रीजन है। पहला, जो विंड आ रहा होता है, इनकमिंग विंड जो होता है उसके साथ में बहुत सारे सस्पेंडेड मटेरियल्स होते हैं, उसके साथ बहुत सारे मटेरियल्स कैरी होते हैं जो कि एक इरोजनल फोर्स में एडिशनल फैक्टर का काम करता है। अब वो हवा जो है इस एरिया पे चोट पहुंचाएगा, या कह सकते हैं ये वाला पूरे जो शेडेड मैंने डॉटेड किया है इस पर चोट पहुंचाता है, पहला पॉइंट। दूसरा होता है कि एरिड होने के कारण या सेमी एरिड होने के कारण यहाँ का जो एरिया होता है वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है, काफ़ी ड्राई होने के कारण इस यहाँ के जो आपस का मटेरियल होते हैं बहुत ही इजीली डिसइंटीग्रेटेबल होता है, स्मूथ होता है, डिसइंटीग्रेटेड होते हैं, टूटने लगते हैं। तो जब हवा का एक झोंका इस एरिया में पड़ता है तो वो ऑलरेडी डिसइंटीग्रेटेड पार्ट को हवा के फोर्स के साथ में इसे उड़ा ले जाता है। ओके, इसे उड़ा ले जाता है, इस तरह से उड़ा ले जाता है इस एरिया में, मतलब बाहर अपने हवा जो है हवा अपने डायरेक्शन में मूव आउट करना शुरू करता है। तो यहाँ पे एक क्या होता है, शैलो एरिया, छिछलेदार एरिया, या कह सकते हैं तस्तरी नुमा एरिया बनने लगता है, जो प्लेट की तरह होने लगता है इस तरह से। ठीक है, यही प्लेट एरिया जो निर्माण होता है एयर के द्वारा, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिफ्लेशन, हम लोग रट लेते हैं डिफ्लेशन बनता है, लेकिन बनता कैसे है, बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, बिकॉज ऑफ टू फैक्टर्स, कि एक जो हवा में सस्पेंडेड मटेरियल कैरी होता है वो वहाँ के ऊपर अगर प्रॉपरली डिसइंटीग्रेटेड मटेरियल्स यहाँ पर नहीं है इस पार्ट में, तो उसे चोट पहुँचा के और भी स्मूथ और टुकड़े टुकड़े में विखंडन कर देता है, विखंडित कर देता है। और फिर चूंकि हवा का एक झोंका है, एक उसमें स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, जिसके कारण उस फिर हल्के मटेरियल्स को वो पिकअप करते हुए अपने साथ बहा ले जाता है। क्लैरिटी आया ना कि कैसे ये मटेरियल्स को पिक करते हुए डिफ्लेट करता है और वहां से उठा ले जाता है, और इस तरह से वहां पे एक प्लेट नुमा स्ट्रक्चर क्रिएट होता है या डिफ्लेशन क्रिएट होता है, राइट है ना। ये हो गया आपका डिफ्लेशन, मतलब क्या हुआ, डिफ्लेशन एक इरोजनल प्रोसेस का पार्ट होता है जो डिफ्लेट करता है वहाँ के मटेरियल्स को, ऊज आउट करता है, या क्या बोल सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह काम करता है, यहाँ पे हवा जो है इस तरह से घुमाते हुए उठा के लेके चला जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, एब्रेशन या सैंड ब्लास्टिंग। एब्रेशन मतलब होता है खुरेदना, कुरेदना, राइट, करेक्ट, मतलब वो घर्षण करते हुए वहाँ पे छिछलेदार बना देगा, वहाँ पे ऐसा लगेगा कि स्क्रैचिंग किया, जैसे हम लोग नाखून से लगाते हैं ना, नाखून से छील देते हैं कोई चीज़, वैसे ही हवा अपने साथ लाए हुए मटेरियल की हेल्प से एब्रेड करता है, एब्रेजन करता है, करेक्ट। और दूसरा एक पॉइंट होता है सैंड ब्लास्टिंग। सैंड ब्लास्टिंग मतलब होता है जो सैंड या छोटे छोटे मटेरियल्स कैरी होते हैं या हवा में होता है वो सैंड ब्लास्टिंग करता है, ब्लास्ट करता है, तोड़ता है, राइट। तो सैंड के थ्रू एक चोट पहुंचाता है और वहां पे एक ब्लास्टिंग होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है। सो एब्रेशन और सैंड ब्लास्टिंग, जब कई बार आप देखिएगा कि अगर आप डेजर्ट रीजन में जाते हैं और कहीं पे जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्स्ट्रक्शन यहाँ आ गया और हवा इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे जो सैंड उसके थ्रू कैरी फॉरवर्ड होता है हल्के हल्के मटेरियल्स, वो जब यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन वाले मटेरियल पे चोट करेगा तो वहाँ पे एवरेशन देखने को मिलता है और साउंड भी सुनने को मिलता है। सो दिस इज सैंड ब्लास्टिंग, राइट। और उसी सैंड ब्लास्टिंग में हम लोगों ने अभी देखा एट्रिशन, जो कि आपस में मटेरियल जो सस्पेंडेड होते हैं, वो जरूरी नहीं है कि सब एकदम फाइन मटेरियल्स हों, कोई थोड़ा सा कोर्स ही होता है तो कोई स्मूथ होता है, कोई थोड़ा बड़ा होगा तो कोई छोटा होगा, तो सब आपस में एक दूसरे से टकराते हुए मटेरियल्स फाइन होता चला जाता है और वो सस्पेंड करते हुए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है हवा के साथ में, राइट। तो
तो ये भी इरोजनल, इसीलिए कई बार जब ऑब्स्ट्रक्शन सामने में आता है तो आप देखिएगा जो सैंड ब्लास्टिंग होता है उस वहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कि ये थोड़ा सा एरिया जो है, तो वहाँ पे कहीं पे इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, कहीं एकदम महीन बनेगा, कहीं इस तरह से लाइन खींचा हुआ रहेगा, कहीं पे एकदम चौड़ा मोटा एरिया लाइन खींचा रहेगा। ऐसे लगेगा कि किसी ने लकड़ी से कूड़े कुरेद दिया है, और यहाँ पे हल्का हल्का इरोजनल एक्टिविटी दिखेगा, कहीं पे ज़्यादा दिखेगा। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है हमें उस ऑब्स्ट्रक्शन वाले वॉल पे या मटेरियल पे, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट साइज ऑफ मटेरियल सस्पेंडेड बाय द विंड। तो अलग अलग साइज का होता है, कोई बड़ा साइज का होता है तो हो सकता है बड़ा चोट पहुंचाए, जो छोटा साइज का होता है वो आराम से नीचे हल्का सा इरोजनल एक्टिविटी करेगा, नीचे फॉल कर जाएगा, और यहाँ पे वो फॉलिंग मटेरियल्स का टॉलिस जिसको बोलते हैं कई बार, वो जमा हो जाता है। फुटहिल्स रीजन में आपको टॉलिस बहुत सारा जमा देखने को मिलेगा, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सॉल्टेशन, जो इरोजनल एक्टिविटीज में हेल्प करता है। व्हाट इज सॉल्टेशन मृगांक? निशु कैन यू टेल मी कि सॉल्टेशन क्या है, किसको बोलते हैं सॉल्टेशन? एनीबडी? सुमन, अमित, कैन यू टेल मी कि सॉल्टेशन मतलब क्या हुआ? सॉल्ट का मिलना। मृगांक, विजय, सॉल्टेशन मतलब क्या होता है? सॉल्टेशन मतलब जंपिंग, उछल कूद। सॉल्टेशन मतलब जंपिंग, उछल कूद। अब क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये वाला एरिया है पूरा का पूरा, राइट, और ये हवा इस तरह, हवा का झोंका इस तरह से आ रहा है, ठंडी हवा के झोंके चलते हैं हल्के हल्के, है ना। लेकिन गाना आपने सुना ही है ना, लेकिन यहाँ पे गर्म हवा का झोंका है तो हल्के हल्के तो नहीं चलेंगे ना, ये तो तेज ही चलेगा। तो जब तेज चलेगा तो उसके साथ वेलोसिटी होगा, बहुत सारे मटेरियल्स को पिकअप भी करेगा। तो ये जो होता है जंपिंग होता है, ये बड़े बड़े मटेरियल्स को, बड़े मटेरियल्स को पिकअप करेगा, और जहाँ तक इसको कैरी करने का कैपेसिटी होता है वो कैरी करके पता लगा यहाँ गिरा दिया। अलग अलग साइज का होता है इसलिए ये यहाँ पे गिरा देगा, यहाँ पे गिरा देगा, यहाँ ये वाला पूरा डिस्टेंस जो कवर करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द सॉल्टेशन, जंपिंग, हॉपिंग। यस यस यस, बीपीएससी क्लासेस, मूवमेंट ऑफ ग्रेवल्स मीन्स जंपिंग ऑफ द मटेरियल्स, जो कि हॉपिंग बोल सकते हैं। जैसे आप देखिएगा कई बार कंगारू को देखिएगा, जंप मार के वहां पहुंचेगा, फिर जंप मार के वहां पहुंचेगा, फिर जंप मार के, मतलब, या खरगोश को देखते हैं जंप मारते मारते जाता है, तो दैट इज नॉन एज हॉपिंग या मेढक, राइट। तो सॉल्टेशन इज नथिंग बट हॉपिंग ऑफ द मटेरियल्स बिकॉज ऑफ विंड्स वेलोसिटी, विंड्स फोर्स। मृगांक, इज इट क्लियर? विजय, इंग्लिश प्रॉब्लम। अच्छा, सॉल्टेशन का अगर कोई बता सकते हैं हिंदी में तो जरा बताइएगा। हिंदी टर्म में क्या कहते हैं इसको? तो मतलब उछलना होता है, हॉपिंग, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है सरफेस क्रीप। क्रीपिंग मतलब होता है क्रॉलिंग से रिलेटेड, मतलब वो जो मटेरियल होते हैं वो मटेरियल कैसे जंप करेगा भाई। तो ये मान लीजिए ये बड़ा मटेरियल है तो लुढ़कते हुए यहाँ पहुँच जाएगा, फिर लुढ़कते हुए यहाँ पहुँचेगा, फिर लुढ़कते हुए यहाँ पहुँचेगा। तो जो क्रीप करता है, मतलब लुढ़कते 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 जो आगे ग्रेवल्स या मटेरियल्स या ग्रेन्यूल्स या स्टोन्स वो मूव करता है, दैट इज नॉन एज क्रीपिंग। तो सरफेस के साथ में लुढ़कते हुए मटेरियल्स का आगे बढ़ना इज नॉन एज क्रीपिंग। उछल कूद, सुमन इज टेलिंग उछल कूद। एग्जैक्ट अगर ज्योग्राफी के हिंदी में पढ़ेंगे तो आप, तो हो सकता है टर्म रहा होगा, या उछल कूद कहते हैं। तो ये होता है सरफेस क्रीपिंग, मतलब क्रॉलिंग की तरह एकदम क्रॉल कर रहा है।
तो क्रॉलिंग तो कंटिन्यूसली ऐसे होता है, ये लुढ़कता हुआ जाता है पत्थर को। अगर आप जैसे छोटे छोटे गोली से हम लोग गुल्ली खेला करते थे बचपन में, तो वो अगर हम ऐसे फेंकते हैं तो क्या होगा, लुढ़कता हुआ बहुत दूर तक जाता है। तो सिमिलरली दिस इज लुढ़कना कह सकते हैं, क्रीपिंग, सरफेस के साथ में जो मूव कर रहा होता है घूमते हुए बॉल की तरह, दैट इज नॉन एज क्रीपिंग। ओके, क्लियर अप टू दिस पॉइंट सारे टर्म्स? मृगंक, सुमन, विजय, निशु, आर यू देयर? इज इट क्लियर और नॉट? कुछ क्लैरिटी आया? अगर डाउट है तो प्लीज पुट अप योर क्वेश्चन, एकदम बिंदास पूछिए। कहीं भी छोटा हो या मोटा हो या बड़ा हो, डाउट क्लियर होना मस्ट है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब लैंडफॉर्म्स में डिफ्लेशन हम लोगों ने देखा विंड के एक्टिविटीज के कारण। अब आते हैं यहाँ पे, देखिएगा इरोजनल लैंडफॉर्म्स का निर्माण में डिफ्लेशन हम लोग समझ चुके हैं। डिफ्लेशन जो बनता है वही बेसिन, डिफ्लेशन बेसिन कहा जाता है, राइट? डिफ्लेशन बेसिन कहा जाता है। उस डिफ्लेशन बेसिन में अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं, है ना? अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा कि देखिए यूएसए में ग्रेट प्लेन एरिया, जो कि बीचों बीच आपको यूएसए का लैंडफॉर्म, यूएसए का अगर मैप देखते हैं तो ग्रेट प्लेन जरूर ढूंढिएगा एटलस में। ये बोलते हैं इंट्रैक्शन ऑफ द एटलस वाइल स्टडिंग ज्योग्राफी। तो आप एटलस में फिजिकल ज्योग्राफी का मैप देखिए, फिजिकल मैप देखिए ऑफ यूएसए, और देन फाइंड आउट कि वेयर इज ग्रेट प्लेन, और उसके बाद बुफेलो वैलो नाम दिया गया है उस एरिया को, बुफेलो वैलो। सिमिलरली मंगोलियन डेजर्ट कहाँ है ये फाइंड आउट कीजिए, और फिर उस मंगोलियन डेजर्ट में पैंग कियांग बोला जाता है डिफ्लेशन बेसिन को, है ना? पैंग कियांग। फिर कटारा डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब वही धसान, डिफ्लेशन, तो ये इजिप्शियन डेजर्ट में आपको देखने को मिलेगा कतारा, कतारा डिप्रेशन। सो डिफ्लेशन बेसिन्स का डिफरेंट डिफरेंट नाम है और डिफरेंट डिफरेंट जगह पे है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। कभी कभी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा डिफ्लेशन बेसिन का एग्जाम्पल नहीं है या एग्जाम्पल नहीं देखने को मिलता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। बुफेलो वैलो ग्रेट प्लेन एरिया में, पांग पैंगकियांग मंगोलियन डेजर्ट में, कटारा डिप्रेशन इजिप्शियन डेजर्ट में देखने को मिलता है, राइट? अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा लैंडफॉर्म जो है इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग किसको बोलते हैं? यहाँ पे आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा होगा, ये जो आपको डायग्राम देखने को मिल रहा है, अगर अंडा नुमा इस तरह का बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, जैसे ग्लेशियर में अगर अंडा नुमा मिलता है तो वहाँ पे हम ड्रमलिन बोलते हैं, ड्रमलिन, जो कि हम लोग ग्लेशियर के लैंडफॉर्म्स में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे जब ऐसा लगता है कि जब कोई टोकरी उल्टा करके रखा हुआ हो, तब इसे इंसेलबर्ग का नाम बोला जाता है। इंसेलबर्ग जो होता है ये बेसिकली रेसिडुअल हिल होता है। रेसिडुअल हिल किसको बोलते हैं? जब कोई हिली एरिया इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ विंड के कारण खत्म हो जाता है, ऊपर का पूरा एरिया इरोड हो जाता है, ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला एरिया, मान लीजिए कि इस तरह से हिल का निर्माण था, ऐसे था, अब ये वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा जो है विंड के इरोजनल एक्टिविटीज के कारण इरोड हो गया और ये कम्प्लीटली गायब हो गया और ये इस शेप में आ गया, है ना? मशरूम शेप, और मशरूम शेप रीजन को, या बहुत सारे मशरूम शेप, छोटे छोटे हिल्स अगर मशरूम शेप में एक जगह पे डेजर्ट रीजन में एरिड या सेमी एरिड में देखने को मिलता है, तब वैसे रीजन को, वैसे लैंडफॉर्म्स को इंसेलबर्ग का नाम दिया जाता है, इंसेलबर्ग। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है बॉर्न हार्ट, इसका दूसरा नाम बॉर्न हार्ट भी होता है, जो कई बार हो सकता है पूछ दे आपको कि बॉर्न हार्ट किसका क्रिएशन है, कौन से तरह के लैंडफॉर्म्स हैं, तो इरोजनल विंड लैंडफॉर्म है बॉर्न हार्ट। ओके, और मशरूम शेप होता है, ये पेनल्टीमेट स्टेज ऑफ एरिड साइकिल। अब जब आप ज्योग्राफी का ऑप्शनल पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कशन की बात होती है, कि जैसे हम लोगों ने देखा पिछले वीडियोज में कि रिवर का 3 साइकिल होता है, उसी तरह से इरोजनल एक्टिविटीज जो विंड का साइकिल होता है वो, हाँ, उसका भी 3 होता है स्टेज होता है, यूथफुल, मैच्योर एंड क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टेज।
तो ये पेनल्टीमेट स्टेज में देखने को मिलता है, मतलब लास्ट से जस्ट एक स्टेप पहले। पेनल्टीमेट मतलब होता है एंड से एक स्टेप पहले। सो पेनल्टीमेट स्टेज में इस तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेज में पूरा प्लेन एरिया का निर्माण होता है। हम लोगों ने रिवर में भी देखा कि ओल्ड स्टेज या सेनाइल स्टेज में डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ या कम्प्लीटली प्लेन एरिया देखने को मिलता है कि नहीं। तो सिमिलरली इसका मतलब यह है कि मैच्योर स्टेज में इस तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलेगा, अगर विंड के इरोजनल साइकिल को हम देखते हैं तो, है ना। सो तो मशरूम शेप्ड लैंडफॉर्म्स, रेसिड्यूअल, रेसिड्यूअल मतलब बचा हुआ हिल्स, जो ऊपर का पार्ट जो भी उसका एजेस नुखिला था, पॉइंटेड था या किसी तरह का रुखरा था, उस सब को इरोड करके विंड जो है एकदम स्मूथ बना देता है और ऐसा लगता है कि डोम शेप्ड हो गया है, मशरूम शेप्ड हो गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, आपने पढ़ा होगा ज्यूगेन। ज्यूगेन क्या है, यहाँ पे दिख रहा होगा ज्यूगेन, है ना। ज्यूगेन जो है, ज्यूगेन और यारदांग, ये बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंड करना। तो ज्यूगेन जो होता है, देखिए पहली बात याद रखिए कि ये हॉरिजेंटल सेटअप होता है, जो सेडिमेंट्री लेयर्स या जो लेयर बना हुआ होता है अर्थ सरफेस में रॉक्स का या मटेरियल्स का, वो हॉरिजेंटल फॉर्मेट में होता है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये होता है कि हॉरिजेंटल फॉर्मेट में जो होता है उसमें जो सेटअप होता है हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन होता है। हॉरिजेंटल में हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का कॉम्बिनेशन होता है। यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा कि हार्ड रॉक भी लिखा हुआ है, सॉफ्ट रॉक भी लिखा हुआ है ना। हार्ड रॉक भी लिखा हुआ है और सॉफ्ट रॉक लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो ब्लैक है वो हार्ड रॉक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, और जो वाइट दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये सॉफ्ट रॉक है। अब विंड का डायरेक्शन ऐसे है, ठीक है। अब विंड क्या करता है, ये वाला पार्ट को, मान लीजिए विंड जो है ये वाले पूरे पार्ट को फेस कर रहा है, मतलब सामने से एकदम वो वाला सरफेस एरिया जो है वो देखने को मिलता है एक ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पे, राइट। जब ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो आप देखिएगा ये वाला हार्ड मटेरियल जो है, हार्ड मटेरियल या हार्ड रॉक, वो इरोड कम होता है, ये वाला पार्ट जो है कम होता है, और ये जो वाइट वाला पार्ट होता है ज़्यादा इरोड होता है, मतलब अपरदन होता है। तो अपरदन होने के कारण क्या होता है कि ये जल्दी इरोड होने लगता है, और धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर के हार्ड मटेरियल जो यहाँ वाले पार्ट होते हैं उसको भी वो कमज़ोर करने लगता है। एक तो इरोजनल एक्टिविटीज़, तो इरोजनल विंड का चोट तो आ ही रहा है ऊपर से, प्लस में नीचे वाला पार्ट जो है जल्दी इरोड हो जाता है, ये वाला पार्ट विजिबल है ना, कि इसको बड़ा करूं एकदम, आई थिंक कि ये विजिबल हो रहा होगा, और अगर नहीं है तो आप देखिएगा मैं राउंड यहां पे देखिएगा जो राउंड किया हुआ है, ये राउंड में जो व्हाइट पार्ट होता है वो जल्दी इरोड होने लगता है, इसलिए नीचे से डीप होने लगता है, नीचे से डीप होने लगता है, और ऊपर वाला जो ब्लैक पार्ट है वो इरोड स्लोली स्लोली होता है, लेकिन इरोजन जो है वो भी ऑब्जर्व किया जाता है। सो ऊपर से भी इरोजनल एक्टिविटीज़ और नीचे से भी, लेकिन नीचे सॉफ्ट रॉक होने के कारण जल्दी इरोजन होता है, जल्दी अपरदन होने लगता है, और ऊपर से भी इरोजन होता है, तो जिसके कारण क्या होता है, ऊपर का हार्ड रॉक जो ब्लैक होता है, ब्लैक कलर में जो दिख रहा है यहाँ पे, वो भी जल्दी टूटने लगता है। और यही रीजन है कि जहाँ से ये वाइट आप देख रहे होंगे, जहाँ ये वाला पार्ट जहाँ पे मैंने टिक किया है, ये वाला पार्ट जो है इरोड होने लगता है, और धीरे धीरे एरो जैसे जैसे बन रहा है, विंड जो है एकदम एक कह सकते हैं गली की तरफ बनाते हुए मूव करता हुआ चला जाता है, गली की तरफ बना देता है, एक गली मतलब कॉरिडोर बना देता है, इस कॉरिडोर से हवा बहता हुआ आगे निकल जाता है। और यही कॉरिडोर जो है कई जगह पर आप देखिएगा इसको गारक भी बोलते हैं, कॉरिडोर भी बोलते हैं, राइट। सो यहां पे आपको देखने को मिल जाएगा कि ये जो है विंड इस तरह से आगे मूव करता हुआ निकल जाता है, तो ये जो है गली का निर्माण करता है, और ये गली का निर्माण क्योंकि ये हार्ड मटेरियल ऊपर और सॉफ्ट मटेरियल नीचे होता है, और दोनों का जो लेयर है हॉरिजेंटल लेयर में इसका सेटअप होता है, राइट।
और इसीलिए आप यहाँ देखिएगा दो और स्ट्रक्चर का निर्माण होता है। दूसरा स्ट्रक्चर का निर्माण क्या होता है, वो ये पार्ट है, ये वाला जो होता है एक रिज का निर्माण करता है, ये वाला ये उठा हुआ पार्ट रहेगा, रिज जैसे लगेगा कि दोनों तरफ से उठा हुआ पार्ट है इस तरह से, है ना। तो ये वाला पार्ट को मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ये वाला पार्ट है रिज, और दूसरा जो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर बन जाता है वो ये वाला पार्ट है जो एरो निशान बना हुआ है। तो इस तरह से रीज एंड फरो का निर्माण होता है, जैसे मिट्टी में आप देखिएगा जो चूहा किस तरह से बनाता है, वो चला जाता है यहाँ पे, इस तरह से खुदाई करते 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 यहाँ निकल जाता है ना, ये निकल गया तो ये पूरा का पूरा कॉरिडोर का निर्माण हो जाता है, और यही वाला पार्ट खत्म हो जाए तो पूरा डिप्लेशन हो जाता है या डीग हो जाता है, पूरा पूरा धस जाता है, लैंडस्लाइड हो जाता है। तो लैंडस्लाइड इसके कारण भी होता है क्योंकि नीचे का बेस जो है कमज़ोर कर दिया जाता है चूहा के द्वारा, है ना। तो ये सब तो बाद की बात है, ये बस यही कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, राइट। ये हो गया ज्यूगन, ज्यूगन जो कि ज्यूगन। अब इसको एक तौर तरीका है कि ज्यूगन में हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का सेटअप कैसा है भाई, हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है, तो आप इसको यहाँ पे जेड जो है ना, जेड को याद रखिएगा, जेड पार्ट हॉरिजेंटल में जेड आता है, ये वाला पार्ट है ना, तो जेड वाले पार्ट को और ये जेड वाले पार्ट को याद रखिएगा, मतलब हॉरिजेंटल ज्यूगन मीन्स जेड कैपिटल लेटर में दिख ही रहा है, बड़ा दिख रहा है, तो जेड मतलब हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटल में भी जेड आता है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, इसका जो लेयर होगा वो सेडिमेंटरी लेयर या कोई भी लेयर का सेटअप जो होगा वो हॉरिजेंटल फॉर्मेट में होगा, करेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है यारदांग, यारदांग जो है ये वाई शेप में दिख रहा है ना, वाई, तो अपने आप में आपको दिख रहा होगा अरे ये तो वर्टिकल फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब है कि यही वाला जो है लेयर वो वर्टिकल फॉर्मेट में रहेगा, इस तरह का लेयर बना हुआ रहेगा और इस तरह का बना हुआ रहेगा। पता लगा कि ये वाला पूरा का पूरा सॉफ्ट है, तो ये पूरा का पूरा हार्ड मटेरियल, ये वाला पूरा का पूरा हार्ड मटेरियल है। तो जब विंड इस तरह से और इस तरह से दोनों पे चोट पहुंचता है तो ये वाले पार्ट को ज़्यादा इरोड नहीं कर पाता है और ये वाले पार्ट को इरोड कर देता है, और फिर से मान लीजिए ये वाला भी पार्ट है, ये वाला भी हार्ड है ना, ये वाला भी हार्ड है, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा फिर से यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण होगा, और यहाँ पे रिज होगा, ये भी रिज बनेगा और ये फरो बन जाएगा, ये रिज, ये भी रिज और ये फरो, राइट। सो यारदांग इज द सेटअप ऑफ द लेयर्स इन वर्टिकल फॉर्मेट ऑफ द हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक, मतलब हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का वर्टिकल फॉर्मेट होता है, वाई मतलब वर्टिकल, ध्यान रखिएगा वी शेप्ड में है ना, यारदांग वाई जो है वी शेप्ड में दिख रहा है और ये वर्टिकल भी लिखा हुआ है वी, तो वर्टिकल सेटअप रहता है इसका लेयर का, हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का, यहाँ पे भी कॉरिडोर का फॉर्मेशन होता है और इसमें भी कॉरिडोर का फॉर्मेशन होता है। ये अटाकामा डेजर्ट में आपको देखने को काफ़ी मिलेगा, अटाकामा डेजर्ट। नाउ क्वेश्चन अराइजेज कि अटाकामा डेजर्ट है कहाँ, एनीबडी, वेयर इज अटाकामा डेजर्ट, अटाकामा डेजर्ट कहाँ देखने को मिलता है या कहाँ है, मीन्स कौन से कंट्री में है, कौन से कंट्री में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है, एनीबडी कैन टेल, सुमन, निशु, विजय, मृगांक, एनीबडी, अटाकामा डेजर्ट कहाँ है, ये आपको क्वेश्चन ढूंढना है, इसका जवाब देना है आपको, मैं नहीं बताने वाला हूं, ठीक है ना। सुमन इज टेलिंग चिली, मृगांक, अमित, निशु, एनीबडी एल्स, साउथ अमेरिका, अटाकामा डेजर्ट चिली में, राइट, है ना। सो अटाकामा डेजर्ट इज देयर वेयर यारदांग इज मोर विजिबल, यारदांग वहां पे ज्यादा देखने को मिलता है ना। चलिए अब यहां पे देखिएगा कि एक थोड़ा सा और ये क्लियर कर देता हूं, ये मान लीजिए ऐसे है, ऐसे है,
ठीक है, ये विंड का फ्लो है, विंड का फ्लो है। अब ये पूरा का पूरा जो ऑब्स्ट्रक्शन का काम कर रहा है, ये वाला जो लेयर है ये विंड का ऑब्स्ट्रक्शन है, राइट। अब ये वाला जो है हार्ड रॉक है या हार्ड मटेरियल है, ये सॉफ्ट रॉक है, फिर ये हार्ड रॉक है, ये सॉफ्ट रॉक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वर्टिकल फॉर्मेट में हम लोगों को दिख भी रहा है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये पूरा का पूरा इरोड होता चला जाएगा, ये कॉरिडोर बनता चला जाएगा, और ये वाला पार्ट जो है कम इरोड होगा, इरोड होगा, ऐसा नहीं है नहीं होगा। जहाँ तक इसके रीज के, जहाँ तक इसकी हाइट की बात है, तो हो सकता है कि इसका हाइट थोड़ा कम हो जाए बिकॉज ऑफ द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ द विंड, लेकिन जितना हाइट या डीपनेस इसमें आएगा वो हार्ड रॉक वाले में नहीं आएगा। तो ये इस तरह से यार्दांग का निर्माण होता है। ज्यूगन आपको देखने को मिलेगा कौन सा, सहारा डेजर्ट में ज्यादा मिलेगा, ज्यूगन में, सहारा डेजर्ट में, सहारा डेजर्ट में, या इनफैक्ट अटाकामा में भी मिलेगा, लेकिन सहारा डेजर्ट में ज्यूगन का निर्माण ज्यादा होता है, वहां देखने को मिलता है। चलिए अब दूसरा पार्ट है डेमोइजेल, डेमोइजेल, यहां पे देखने को डेमोइजेल, डेमोइजेल भी होता है सेम चीज, हार्ड एंड रेजिस्टेंट रॉक मटेरियल्स एंड सॉफ्ट रॉक मटेरियल्स का लेयर। अब यहां पे देखिएगा कि यहां पे देखिएगा कि ऊपर में ब्लैक डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ऊपर का पार्ट ब्लैक है ना, ये ब्लैक जो है हार्ड रॉक है, एच हार्ड, एच हार्ड, और नीचे वाला जो वाइट दिख रहा है वो सॉफ्ट है, सॉफ्ट है ना, ये सॉफ्ट मटेरियल है। तो जब हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक का वर्टिकल फॉर्मेट में, हॉरिजेंटल लेयर में, वर्टिकल फॉर्मेट मतलब वर्टिकल दिख रहा है, ठीक है ना, लेकिन हॉरिजेंटल लेयर में अगर देखने को मिलता है तो नीचे वाला पार्ट जो है पूरा का पूरा इरोड होने लगता है, ये पूरा का पूरा इरोड होने लगता है। है ना, ये वाला पार्ट, ये पूरा जो है इरोड होने लगता है, और इरोड होने के कारण यहाँ पे हॉलो बनने लगता है, ये बहुत दुबला पतला होने लगता है, और ये जो है ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके ऊपर एक कैप रख दिया है, या किसी ने उसके ऊपर एक बड़ा सा चट्टान रख दिया है। तो जब इस तरह का आकार देखने को मिलता है, और इरोजनल फेस, इरोजनल फेस जो होता है इस वाले हिल्स में या इस वाले ऑब्स्ट्रक्शन में, तो बहुत ज़्यादा इरोडेड रहेगा, ये वाला पार्ट बहुत ज़्यादा इरोडेड रहेगा, ये वाला पार्ट में, ये वाले पार्ट में बहुत ज़्यादा इरोजनल या इरोजनल एक्टिविटी देखने को मिलेगा, और इसी के कारण इसका नाम दिया गया है डेमोइजेल, डेमोइजेल हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक का लेयर इन हॉरिजेंटल फॉर्मेट, नॉट वर्टिकल फॉर्मेट, इन हॉरिजेंटल फॉर्मेट बट इन वर्टिकल शेप, वर्टिकली हमको दिख रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एरिया इरोडेड पार्ट होता है ना। उसके बाद एक होता है दूसरा अम्ब्रेला, अम्ब्रेला शेप का निर्माण, अम्ब्रेला शेप जिसको पेडेस्ट्रल, गारा और पिल्फेल्सन भी बोलते हैं, उसका आकार ऐसे रहेगा, ये सरफेस एरिया है, और इस तरह से इसका निर्माण होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला जो पार्ट है ये पूरा का पूरा दुबला पतला, एकदम बेचारा ऐसा लगता है खाए पिए नहीं है, है ना, और ये फिर मोटा वाला, ये वाला मोटा एरिया हो जाता है, ये वाला फिर यहाँ पे भी मोटा एरिया होता है, मतलब विड्थ जो है ज़्यादा होता है, थीक होता है, यहाँ पे थीन है, ठीक ना, और ये ठीक है। अब ये ऐसा क्यों है, इसी को बोलते हैं पेडेस्ट्रल, पेडेस्ट्रल फैन जैसे होता है ना, उस शेप में का निर्माण होता है, राइट। इसको कई जगह पे गाड़ा भी बोलते हैं, पिल्फेल्सन भी बोलते हैं। अब है कि ऐसा शेप का निर्माण क्यों होता है, एनीबडी कैन टेल, ऐसा शेप का निर्माण क्यों होता है। हम जानते हैं कि दिस इज बिकॉज ऑफ द इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ विंड, अपरदन क्रिया के कारण ऐसा होता है,
लेकिन अपरदन की क्रिया के कारण, अपरदन के प्रोसेस के कारण ऐसा जो लगता है जैसे कि ये अम्ब्रेला शेप बना हुआ है, अम्ब्रेला बना हुआ है, तो ऐसा क्यों? मृगंक, सुमन, निशु, जस्ट गेज करने की बात है और कुछ भी नहीं। एनीबडी, ये वाला भी पार्ट ठीक है, मोटा है, और ये वाला भी, ये भी मोटा है और ये भी मोटा है, लेकिन ये वाला पार्ट जो है यहां से लेके यहां तक ये थीन हो गया है, ऐसा क्यों? मृगांक, एब्रेशन इन लोअर पार्ट, तो व्हाई नॉट दिस पार्ट, व्हाई नॉट इन द लोअर मोस्ट पार्ट? नीचे खाली हो जाता है इसलिए। ओके, टू सम एक्सटेंट यू आर, यू बोथ आर राइट, एब्रेशन होता है इन लोअर पार्ट, राइट, लोअर पार्ट में एब्रेशन होता है, तो लोअर पार्ट में एब्रेशन होता है तो सबसे ये वाला पूरा सरफेस है ना, नीचे जो है ये सरफेस एरिया है और इसके ऊपर ये हमें पार्ट दिखता है, बट अपलिफ्टेड पार्ट, और यहाँ पे इरोजन नहीं होता है, यहाँ इस पार्ट में इरोजन ज़्यादा होता है। सी, एकदम मृगांक, यू आर राइट, बट और एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसको। देखिए, इस पार्ट में छोटे छोटे मटेरियल्स, छोटे छोटे मटेरियल्स रहते हैं, ठीक है ना, सरफेस के ऊपर। हवा क्या करता है, इन सब को उठाता है, तो जब उठाता है तो उठाने की प्रक्रिया में वो यहाँ तक पहुँचता है, तो नीचे वाले पार्ट में इरोजन नहीं हो पाता है क्योंकि यहाँ से वो पिकअप ही कर रहा होता है, इस पिकअप प्रोपोजिशन में ही होता है ना, तो जब पिकअप पोजीशन में होता है तो उस वक्त वो इरोजनल मोड में नहीं होता है क्योंकि उसके पास ताकत नहीं होता है। पिक करने के वक्त क्या होगा ताकत? जब वो पिक कर लेगा और अपने साथ में कैरी करके, जब स्पीड के साथ में, वेलोसिटी के साथ में आगे मूव करता है तब, तो जब यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स को पिकअप कर रहा होता है तो हवा जो है ऐसे मूव करता है, राइट। अब जब ऐसे मूव कर रहा होता है और आगे ये वाला ऑब्स्ट्रक्शन पार्ट मिल गया है, तो हवा एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंचने के बाद इरोजनल का जो टूल्स होता है, उसका मटेरियल्स होता है, ग्रेवल्स होता है, ग्रेन्यूल्स होता है, वो जो है उसके एक पर्टिकुलर हाइट, या कह सकते हैं अप टू 10 फीट, अप टू 10 फीट या 5 फीट, लगभग 5 टू 10 फीट के बीच में एरिया पार्ट जो है वो काफी एक्टिव होता है इरोजनल एक्टिविटीज के लिए, क्योंकि उतना ही हाइट तक हवा जो है अपने मटेरियल्स को अपलिफ्ट कर सकता है, पिकअप करके कैरी कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, और जब कैरी और सस्पेंड कर सकता है तो जब वो ब्लो करेगा तो उसके सामने वाला जो पार्ट आएगा उस पे ज़्यादा हीट करेगा, और ज़्यादा हीट करेगा तो ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटी होगा। तो मतलब क्या हुआ कि विंड का जो इरोजनल एक्टिविटीज होता है एक मीडियोकर हाइट पे होता है, न सब न ज़्यादा ऊंचा, न सब न एकदम नीचे, एकदम मीडियम हाइट पे इसका इरोजनल एक्टिविटीज फास्ट रहता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर हाइट पे वो काफ़ी मात्रा में अपने साथ टूल्स को लेके चलता है ना, टूल्स को लेके चलता है, और इसीलिए ये वाले पार्ट जो है ज़्यादा दुबला पतला होता है क्योंकि ज़्यादा इरोजनल एक्टिविटीज़ देखने को मिलता है, इसलिए कटा छटा पार्ट यहाँ, और ऊपर चूंकि कैरी नहीं कर सकता है, और अगर मान लीजिए कैरी भी कर पाता है तो पता लगा वो यहाँ तक ही रह पाया, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है इस पार्ट में, और यहीं तक रह जाता है, तो जिसके कारण अगर ऊपर हवा पहुँचता भी है तो उसके साथ कैरी करने वाला कैरीड मटेरियल जो होते हैं नहीं होते हैं, जिसके कारण एक्टिविटीज़ का इरोजनल एक्टिविटीज़ एकदम नाम मात्र होता है, या एकदम कह सकते हैं एकदम फाइन मटेरियल्स होगा जिसको कि कह सकते हैं कि एकदम होता है धूल का एकदम कण, जो ना इरोजनल टूल्स के तौर पे काम करता है और ना विंड को ऊपर ले जाने में बाधा क्रिएट करता है, ना ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, इसीलिए ये पार्ट जो होता है नगण्य होता है इरोजनल में, ये भी पार्ट नगण्य होता है, और ये पार्ट जो होता है पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया जाता है कि अपरदन क्रिया यहां पे मैक्सिमम है। क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट?
सो दिस इज अम्ब्रेला शेप, इसे मैं क्लीन कर रहा हूं. सुमन, निशु, मृगांक, अमित, एवरीबडी, क्लियर ना? तो आगे बढ़े हम लोग. अब देखिएगा कि इस, अब यही पे ये सब याद करने वाला चीज है, इसमें अंडरस्टैंडिंग की बात नहीं है. ये वाला पॉइंट यहां पे देखिएगा, वेंटिफैक्स का निर्माण होता है. वेंटिफैक्स ड्राइकेंटर, वेंटिफैक्स ड्राइकेंटर क्या है? तो वेंटिफैक्स मतलब होता है, या ड्राइकेंटर, ड्राइकेंटर मतलब ड्यूअल, इस तरह का शेप नुमा बनता है, ट्रायंगुलर शेप में बनता है. जब किसी मटेरियल का इस तरह से शेप बनता है जो ऐसा लगता है कि फ्रंट फेस जो है विंड को फेस किया है, तो एकदम नुखीला नुमा कोई शेप बनता है, नुखीला नुमा शेप बनता है, राइट? तो ये छोटे छोटे मटेरियल्स का निर्माण होता है जो कि पिकअप तो नहीं किया जा सकता है विंड के द्वारा, बट जो रखा हुआ है उसी पे हल्का फल्का चोट पड़ता रहता है रिवर के, विंड के द्वारा, और वो अलग अलग स्ट्रक्चर में निर्माण होता रहता है. सो वेंटिफैक्स और ड्राइकेंटर्स का निर्माण होता है, ये सिर्फ आपको याद रखने की बात है. दूसरा पॉइंट है विंड विंडो. ये विंड विंडो क्या है? तो ये देखिए विंड विंडो, विंड विंडो आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ऊपर ऊपर की तरफ, है ना, ये वाला पार्ट. तो यहां पे देखिएगा कि ये जो होता है, ये हार्ड मटेरियल्स होते हैं, ये हार्ड मटेरियल होते हैं, ये सॉफ्ट होता है, ये हार्ड मटेरियल होता है, राइट? और या कह सकते हैं ये भी हार्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है हार्ड एंड सॉफ्ट, करेक्ट? यहां पे वो कंडीशन है भी नहीं इनफैक्ट, बल्कि ये है कि एक पर्टिकुलर हाइट पे जब विंड, एरो जो निशान लगा हुआ है वो विंड है, ठीक है, विंड जो है चोट पहुंचाता है, और अगर ये वाला पार्ट सॉफ्ट पर जाता है, लूज पर जाता है, जल्दी डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो यहाँ पे डीप करते 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 वो आगे की ओर निकल जाता है और एक एकदम प्रॉपर आर पार होलो बना देता है, बीचों बीच एरिया क्रिएट कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं विंडो. ये अगर सहारा डेजर्ट में देखेंगे जहाँ छोटे छोटे हील्स, छोटे छोटे हील्स का बचा हुआ रेसिडुअल पार्ट का स्टोन दिखता है, तब वहाँ पे देखने को मिलता है कि पता लगा कि विंड जो है उसको कट करते 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 आर पार हो जाता है. और अगर आप इस साइड में बैठे हुए हैं तो आपको एकदम सन से, खिड़की से जैसे हवा आता है ना, उस तरह से फील होगा, हवा का झोंका. तो ये सिंपल सा चीज़ है, इसमें कुछ भी नहीं है. विंड विंडो का निर्माण होता है, मतलब ये विंडो हुआ. दूसरा देखिएगा विंड ब्रिज का निर्माण. ये ब्रिज सिंपल सा चीज़ सोच लीजिए कि ये हार्ड मटेरियल का स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, और यहाँ से विंड जो है ब्लो कर रहा है, और या यही कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कि ये विंड विंडो है और ये वाला पार्ट यहाँ से टूट गया, ये यहाँ से टूट गया ऐसे, ठीक है ना, विंड विंडो टूट गया, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट टूट गया, ये अर्थ सरफेस है, तो ये हो गया विंड ब्रिज, क्योंकि ये ब्रिज का निर्माण करता है. और ये कई बार ब्रिज इस तरह से होता है कि लोगों के आवागमन का रास्ता बन जाता है, क्योंकि ये वाला पार्ट मान लीजिए उस माउंटेन का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हील है, जिसे हम क्रॉस चढ़ के क्रॉस नहीं कर सकते हैं ऐसे ऐसे उस पार जाने के लिए, तो ये विंड ब्रिज जो है हमारे एक रास्ता या कैरावान के लिए एक रास्ता का भी काम करता है डेजर्ट रीजन में, है ना, रास्ता का. तो ये होता है विंड ब्रिज, या इसको बोलते हैं आर्क, आर्क का भी निर्माण होता है, राइट? तो ये विंड विंडो एंड ब्रिज आपको क्लियर हो गया होगा मुझे लगता है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं. बस इतना ही ध्यान रखिएगा, ये कुछ नहीं बल्कि ये थोड़ा हार्ड पड़ जाता है, ये वाला जो सॉफ्ट पार्ट था, सॉफ्ट पार्ट था, ये हार्ड पार्ट था, तो इसे इरोड करने में विंड को ज़्यादा टाइम लगा, इसे इरोड करने में जल्दी फास्ट कम समय लगा, इसलिए इरोड करते हुए ये पूरा का पूरा जो है गैप क्रिएट कर देता है. या कह सकते हैं कि ये वाला यहीं तक अगर यहाँ रहता और ये भी हार्ड पार्ट होता तो ये यहाँ यहाँ इस वाले पार्ट में विंडो का काम बना रहा, विंडो बन जाता और टूट गया, तो ये ब्रिज का निर्माण हो गया, आर्क का निर्माण हो गया, है ना, क्लियर एवरीबॉडी? और ये जो स्टोन लेटिस है ये भी वैसे ही है वेंटिफैक्ट, तो ये भी छोटे छोटे टुकड़े हैं,
जो कि आपको देखने को मिलेगा यही सब वाले रीजन में, डेजर्ट वाले रीजन में। इस पर डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। लैटिस, स्टोन लैटिस छोटे छोटे घर्षण के कारण गुल्ली गुल्ली या बॉल की तरह हो जाता है, बहुत ही सुडौल बन जाता है। ग्रेन्यूल्स या ग्रेवल्स जो होते हैं, बड़ा घर्षण करके एकदम स्मूथ बन जाता है चारों तरफ से। सो स्टोन लैटिस एंड वेंटिफैक्ट, दिस इज द टर्म व्हिच यू हैव टू रिमेंबर ओनली, बट विंडो एंड ब्रिजेस जो कि कॉन्सेप्ट से बेस्ड था, ये मैं आपको क्लियर कर दिया। एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट गाइस? सुमन, अमित, विजय, निशु, मृगांक, एवरीबडी, कम ऑन। इफ यू थिंक दैट कि डाउट अभी भी बना हुआ है या कुछ और क्लैरिटी चाहिए इसमें, तो मैं जानना चाहता हूं वो डाउट क्या है। अपने डाउट को पुट अप कीजिए। सो अगले क्लास में हम लोग डिपोजिशनल एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, विंड के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स के बारे में। सो सुमन, एवरी नो डाउट ना? आई होप सो, रियली आई होप सो। बस मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर हो सके तो आप 100 वर्ड्स में लिखिए व्हाट आर द लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द विंड, व्हाट आर द इरोजनल लैंडफॉर्म्स ऑफ द विंड। इसको 100 वर्ड्स में डिस्कस कीजिए डायग्राम के साथ में। ये आपका न केवल रिवीजन का काम करेगा बल्कि आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स भी तैयार हो जाएगा। पिछले वीडियोज़ में भी मैंने दिया था, अगर आप लोग लिखे होंगे तो हमें सेंड कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप नंबर भी आप लोगों को पता ही है, तो आप हमें ज़रूर भेजिएगा। पिछला वीडियो का आंसर भी नहीं मिला है मुझे, और इस वीडियो का भी मैं आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग डायग्राम के साथ में बना के ज़रूर भेजेंगे, है ना? सो थैंक यू एवरीबडी। और कल हो सकता है, हाँ कल भी चलिए क्लास कंडक्ट कर लेते हैं ताकि विंड लैंडफॉर्म्स ख़त्म कर दें। तो कल डिपोजिशनल विंड लैंडफॉर्म्स के बारे में रहेगा, तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपका ऑप्शनल है ज्योग्राफी, तो आपको जरूर हेल्प करेगा। सो गाइस, स्टे ट्यून टू केएम लर्निंग चैनल। और आप लोगों को ये वीडियो लगा अच्छा तो लाइक जरूर कीजिए। आप लोगों का लाइकिंग नहीं दिखता है मुझे, पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं। ये हो सकता है आपका चॉइस है या मेरे क्लास में कुछ कमियाँ रह गया होगा, और अगर कमी है तो प्लीज़ लेट मी नो, मुझे बताइए ताकि मैं और क्लैरिटी कर सकूं और मैं अध्ययन कर सकूं, स्टडी कर सकूं और आप लोगों को क्लियर कर सकूं। क्योंकि मेरा एक ही टारगेट होता है, आप लोगों को हेल्प करना और कुछ भी नहीं। ओके, सो एवरीबडी गुड नाइट, टेक केयर एंड सी यू टुमारो एट 9:15, 9:15 के आसपास फिर मैं आपसे मिलता हूं कल के क्लास में विंड के डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स को लेके। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।